आएंगे नहीं बल्कि लेके जाके जैसा यहाँ डाले और लाके डालेंगे। और मैं आने के बाद अब तीन बार के बंडी भी पैसे लेना है तो मैं वही आके लूंगा। मैं अगर आप सामने है तो मैं आ जाऊंगा, पीछे रहे तो नहीं है। अगर आप सामने आ जाएंगे तो आपका ही लॉस रहेगा, इसलिए लॉस रहेगा कि ट्रैफिक जाम रखना है। 11 साल से लगा रहा हूं रोड पे, कितने महीने, 3 महीने हो गया, 40 साल से, 15 साल, 20 साल से कारोबार लगा रहा हूं। आप इनके लिए आप एक काम करो साहब, मैं आपके साथ बाजू ठहरता हूँ, आप इनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट जगह बताइए, मैं वहीं कारोबार बताएंगे भाई। गवर्नमेंट बताना, ट्रैफिक सिग्नल पे हो रही है सर, आप ट्रैफिक ऐसा गवर्नमेंट बोल तो हमारा सुधीर ऑफिसर से तो गवर्नमेंट लिखेस है, यहाँ पर अच्छी बात वेंडर्स है और कुछ कार्ड वेंडर्स है, ये लोग दूसरा जगह बताना, जब तक ये लोग नहीं बताए तब तक ट्रैफिक जाम होते रहते बल्कि बताए। इंशाल्लाह आप काम भी अब अल्लाह चाहे तो स्टार्ट होगा, मगर जब तक कोई इनका सब्स्टिट्यूट प्लेस पे लोग नहीं जाते तब तक आप नहीं सताना साहब, चालान भी नहीं करना प्लीज। ये लोग को भी हम बोलेंगे बराबर, हम ये बोलेंगे कि भाई आप पीछे हट के काम करो, पीछे हट के बिजनेस करना। अंदर से लाए बोले ना, ये थोड़ी देर पहले आप रात में लाए थे, नहीं बोल रहा हूँ रात में भी नहीं सुबह में नहीं, अंदर से लाए बोले ना, नहीं सुनो ना रात में होने का ना सुबह होने का, कौन सा ठीक है जरा फोन तुम्हारा का फैसला ये है कि जो बंडी ले लेंगे आप वो वापस नहीं करेंगे, फिर वापस करें तो फिर वो लोग कहीं लगाते हैं तो फिर लगाएंगे वही बोले तो फिर कहाँ जाके लगाएंगे साहब, फुटपाथ पे नहीं तो कहाँ कारोबार करेंगे बोलिए आप। ट्रैफिक कैसे जाना, अरे ट्रैफिक में खलल पैदा नहीं कर रहे हैं, खलल पैदा नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक में, ये आदमी जा रहा ले लिए दुकान के अंदर, किसके दुकान में से लिए जी, कहाँ गया साहब, किसके दुकानों में से आप के लिए, दुकान वाले बोलेंगे जाएंगे, दुकान वाले बोलेंगे नहीं, दुकान वाले के पास जाएंगे नहीं, ये बात बोलेंगे अंदर में आप ना लगा सर्कल साहब, एक मिनट, आपको मैं इससे पहले भी बोला, अब आप आए हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब थे एक मीटिंग लिए, मैं आप आते बोला साहब ये पुष्कर डालों का ये रोज का मसला चलते रहता, देखिए ये क्या है, ये धंधा अगर नहीं हुआ सुबह से यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते तो मैं बोल रहा नहीं नहीं बढ़े नहीं बोल रहा मैं, अगर आप लोग रोज ला के 20-25 लोगों को अगर चालान करेंगे तो ना धंधा छोड़ देंगे साहब, मर जाते इसमें से 2-4 लोग, आप देखिए 10 बंडियाँ कल से रखे हुए 6 बजे से यहाँ पर, ना चालान करे ना बंडी उनके हाथ को दिए, खत्म कर दो, छोड़ डालो फिर बंडिया रख लो, आप जितने बंडी सब करें रख लो, दियो मत अब आप किसको भी मत लियो भाई, कोई बंडी मत लियो साहब, बोल दिए 50 सौ आ रहा हूँ नहीं करो भाई, आप पीछे हटो ना, कहीं को आते भाई नो, आप पीछे हटो, पीछे हट के कारोबार करो, वही जगह पे आप सामने आएंगे तो ट्रैफिक भी जाम हो जा रहा है आप लोगों की वजह से, दूसरे लोग को प्रॉब्लम है, आप पीछे हट के करिए कारोबार, सुबह से शाम तक करिए, अननेसेसरी आएंगे चालान आपको होगा, मैं आऊँगा कोई दूसरे आएंगे MLA साहब आएंगे यहाँ पर, मगर चालान आपको होगा, कोई नहीं भरेंगे, कितने मरतबा भरते जी, आप अगर यहाँ ठहरने का पीछे भी ठहरे तो ग्राहक आएगा, आगे लिए तो ग्राहक आएगा, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एक मुहिम चला रहे हैं उस सिलसिले में कल 10 से 12 बंडी लेकर आए थे हमारे इंस्पेक्टर साहब की निगरानी में, DCP साहब ने नोट करवाया था ये, और ये ऐसे कुछ बंडी है जो रोड के ऊपर आ गए, तो उस सिलसिले में कल लेकर आए, कल चालान की रिसिप्ट नहीं दिए थे, आज और बंडियों को लेकर आए, टोटल 20-25 बंडी और रिंग्स वगैरह है, टोटल 30-35 लोग का यहाँ पर आ गए, तकरीबन लोग यहाँ पर आ गए, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे चारमीनार ACP ट्रैफिक जनाब मार साहब से नायक साहब से मैं मुलाकात किया, इंस्पेक्टर सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक साहब से मेरी मुलाकात हुई, और तमाम ट्रैफिक पुलिस वालों ने मेरे को ले जाके वीडियोस और फोटोज़ भी बताए कि फुटपाथ वाले बहुत रोड पर आ गए, तो मैं फुटपाथ वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज बगैर चालान पे मंज इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे बगैर चालान पे जो आज लेकर आए और जो कल जो लेकर आए थे उनकी रिसिप्ट तो कल ही दे दिए थे, या रिसिप्ट वगैरह यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आप फिर एक मरतबा मैं ACP साहब का इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारी नुमाइंदगी पर आप बगैर चालान करके आपने छोड़ दिया, मगर मैं आप जो लोग फुटपाथ पे काम कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी हद में रह के अगर कारोबार करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है,
जो ट्रैफिक जो आवाम आती है उनके लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि टूरिस्ट हैदराबाद चार मीनार को देखने बहुत सारे हज़ारों टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आपके रास्ते से गुजरना है तो आप लोग कितने पीछे रह के आप कारोबार करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा नहीं लेकर आएंगे, मगर आगे बढ़ के काम करेंगे तो फिर दोबारा लाएंगे ये लोग। मैं फिर एक मरतबा ट्रैफिक पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, सब ये पूरे 100% गरीब लोग हैं साहब, दिन सारे दिन मेहनत करे तो 500 रुपये कमाते साहब ये लोग, अगर अगर ये लोगों को ला के एक दो दो दिन अगर यहाँ रख लेंगे तो ये लोग का घर का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपसे एसीपी साहब से इंस्पेक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मगर आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइंदा थोड़ा एहतियात करिए साहब, इतना बल्क में मत उठा के लेकर आइए, एक दो लोगों को ला के वार्न करिए आप, हम नहीं आएंगे साहब, दो आदमी को लेकर आएंगे तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे, तीन आदमी को मिलाए तो हम नहीं आएंगे, आप वार्न करिए उनको पीछे हट के काम करने के लिए, आपके जो फॉर्मेलिटीज है आप बराबर पूरे करिए सर, थैंक यू सो मच, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बगैर चालान के आपने दे दिया सर सामान।